हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं डेटोनेशन के बारे में। तो डेटोनेशन वर्ड को अगर समझना है क्या मतलब है इसका, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके वर्ड का मतलब पहले हिंदी में समझेंगे। तो डेटोनेट क्या होता है, बम आदि का विस्फोट होना या करना, टू एक्सप्लोड और टू मेक अ बॉम्ब। तो जब हम कोई बॉम्ब फोड़ते हैं तो इसको इंग्लिश में हम वर्ड दे दिया हमने डेटोनेट करना। तो जब ये बॉम्ब कोई फूटता है, लेकिन हमारे पास इंजन में किस तरह से ये वर्क करता है, डेटोनेशन क्या होती है, हम इंजन की बात करें तो, और ये इंजन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो डेटोनेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें इसके इफेक्ट भी देखने पड़ेंगे कि कारण होता है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक इंजन की एग्जाम्पल लेते हैं। तो इंजन के एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि कंप्रेशन हो रहा है। ये देखिए, जैसे जैसे कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे, अब हमारे पास क्या होती है, स्पार्क यहाँ पे, और ये अब आराम से जो पावर स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक के बाद क्या होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो जाता है। तो ये तो होता है रेगुलर कंबस्टन। हम बात करें कि रेगुलर कंबस्टन किस तरह से होता है, तो हमारे पास चाहे पेट्रोल में, पेट्रोल इंजन में, या हमारे पास डीजल इंजन में, तो हमने वर्किंग उसकी समझनी है क्या होता है। पेट्रोल में क्या होगा, हमारे पास सीधा पहले सक्शन, कंप्रेशन, कंप्रेशन जैसे कंप्लीट होती है वहाँ पे एक चिंगारी निकलती है, स्पार्क होती है, स्पार्क होती है, वैसे ही हमारे पास वहाँ पे मेरे पास क्या होगा, कंबस्टन प्रोसेस और पावर स्ट्रोक मिलेगा। ठीक है, ये आपको वर्किंग पता होनी चाहिए तभी ये समझ आने वाला है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे धुआं होता है वो जो बाहर निकाल देते हैं। ये तो होती है रेगुलर कंबस्टन कि आया ये सारा कुछ टाइम पे हो, जब रेगुलर सही तरीके से हो रहा है, आराम, जब हमें स्पार्क चाहिए तब हमें मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब जो कंडीशन नहीं चाहिए हमें, ठीक है, किस तरह से कंडीशन है ये देखिए। नॉकिंग में हम इसका देखेंगे, डेटोनेशन या नॉकिंग में आपको डिफरेंस बताऊंगा, तो उसमें हम इफेक्ट देखेंगे। तो हमारे पास किस तरह से है, यहाँ पे आराम से देखना इस चीज को, यहाँ पे जैसे जैसे कंप्रेशन हो रहा है, देखिए कंप्रेशन हो रहा है, उसके कारण जैसे यहाँ पे स्पार्क मिली, लेकिन एक कंबस्टन यहाँ भी अपने आप हो गई, एक कंबस्टन प्रोसेस यहाँ पे अपने आप हो रही है। आप चीज द्वारा नोट करो, ये जैसे जैसे ऊपर आया, स्पार्क ने, स्पार्क प्लग ने स्पार्क दी, लेकिन एक यहाँ पे भी हो गया। तो जो हमें चाहिए थी कंबस्टन, वो तो स्पार्क प्लग ने देनी देनी थी, वो उसने करना था, लेकिन एक धक्के से ही हो गई। क्यों, ये धक्के से कैसे होगी, धक्के से इसलिए होगी मेरे भाई, जब हम देख कंप्रेशन रेशो मैंने समझाया हुआ है, कंप्रेशन रेशो किस तरह से समझाया था कि हमने किस तरह से कंप्रेस करना है किसी चीज़ को, कंप्रेस ज़्यादा करते हैं ना, जितना ज़्यादा, इवन मैं आपको एग्जांपल पहले भी दे रहा था कि आप अपनी आम को भी कंप्रेस करोगे ना, जितना ज़्यादा वो गर्म होनी शुरू हो जाएगी, ज़्यादा देर करके देख लो, गर्म होना शुरू हो जाएगा। अभी जब इंजन में ये होता है कि एसआई में हमने, जैसे हम स्पार्क इग्निशन में पेट्रोल इंजन की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ती है, हमारे पास उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करती है, तो हम क्या करते हैं कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दो। तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने की प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ती है, इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, और उस टेम्परेचर और प्रेशर के इफ़ेक्ट के कारण कहीं किसी एक कॉर्नर में अपने आप इग्निशन चल गई, ऑटो इग्निशन, ऑटो मतलब अपने आप, इग्निशन मतलब उसका आग लगना, तो वो अपने आप यहाँ पे जो यहाँ पे इग्निशन होगी ना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे, यहाँ से इग्निशन, यहाँ, ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं, ठीक है, दोनों आपस में टकरा जाएंगे। जैसे आप चले जा रहे हो, दूसरा बंदा आ रहा है आराम दूसरी साइड से, वो टकरा गया आपस में, तो एक तरह से क्या होगा, टकराव होने के कारण वो एक एनर्जी लॉस है, वो एक एनर्जी लॉस है, एक तो इवन गुस्से से लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। तो यहाँ जब दो फ्लेम आपस में टकराएंगी, उसके कारण एक साउंड पैदा होगा, अब उसके कारण क्या होगा, नॉकिंग होगी। अब नॉकिंग क्या चीज़ है, नॉक नॉक, हम जैसे दरवाजे पे करते हैं ना नॉक नॉक, तो खड़काना किसी चीज को, ठीक है, तो ये इस तरह से नॉक करना, तो वो नॉकिंग होगी, खड़का पैदा होगा, वो आवाज आएगी, तो उसको एक और वर्ड क्या कहते हैं, पिंग बोल देते हैं, पिंगिंग करना, पिंगिंग करना, नॉकिंग करना, ये क्या एक ही तरह के वर्ड है। अब देखिए, डेटोनेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, डेटोनेशन क्या है, एक प्रोसेस है, कॉज है, लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है, नॉकिंग हो रही है, कारण है
और तो डेटोनेशन क्या है, डेटोनेशन कॉज है और उसका इफेक्ट क्या है, नॉकिंग। ठीक है, किसी चीज का कोई कारण होता है ना, हम कहते हैं इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है, क्या हुआ, ये डेटोनेशन की प्रोसेस हुई, उसके कारण होगा क्या, नॉक नॉक। ठीक है, तो वो नॉकिंग की साउंड आती है इंजन के अंदर, ठक 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 आवाज आएगी एक, और उस आवाज के कारण ये वर्ड जो है वो नॉकिंग पड़ गया। तो मैं फिर से कहता हूं, इंग्लिश बड़ी मस्त है, जो वर्ड उन्हें मिलता है उसके ING पीछे लगा दो, प्रोसेस बन जाते हैं, नॉक नॉकिंग। तो हमने हमने इस प्रोसेस को, अब हिंदी में कहें किसी चीज को खड़काना, ठीक है, खटखट करना, खटखट करना, तो वो नॉकिंग हो गया। तो हमारे पास इस तरह से ये नॉकिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इस चीज को, डेटोनेशन को हम इंग्लिश में अगर समझें, डेटोनेशन इज द स्पॉन्टेनियस कंबस्टन ऑफ द एंड गैस रिमेनिंग फ्यूल इन द चैम्बर। तो हमें लास्ट में जो हमारे पास गैस बच जाती है उसकी कंबस्टन, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, अचानक से एक स्पॉन्टेनियस है, एक स्पॉट पे आ जाती है। इट ऑलवेज अकर्स आफ्टर नॉर्मल कंबस्टन इज इनिशिएटेड बाय द स्पार्क प्लग। तो उसके बाद होती है, वो भी हमने देखा, स्पार्क प्लग के बाद होती है। इफ द कंबस्टन प्रोसेस मूव्स टू फास्ट एंड प्रेशर पीक अकर्स टू अर्ली। तो अगर हमारे पास ज़्यादा ज़्यादा फास्ट प्रोसेस चल रही है और पीक प्रेशर, सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होना है वो जल्दी आ जाता है, द रिजल्ट कैन बी एक्सेसिव प्रेशर, एक्सेसिव टेम्परेचर एंड द अनस्टेबल प्रेशर पल्सेस नॉन एज डेटोनेशन। तो उसके कारण क्या होगा, एक्सेसिव प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा और वो एक पल्सेस जनरेट करेगा जिसको हम डेटोनेशन बोलते हैं। डेटोनेशन इज समथिंग दैट अकर्स नियर द पीक प्रेशर पॉइंट इन द कंबस्टन इवेंट After the air fuel charge has been ignited normally by the spark plug, तो ये उसके बाद होता है, spark plug के बाद होता है। ठीक है, तो वे हाँ, ये अगर आपको इंग्लिश में पूछे तो detonation versus knocking, तो detonation is the cause and the knocking is after effect। तो उसके कॉज क्या है, detonation, और इफेक्ट क्या है उसका, knocking। तो ज़्यादा हमने कन्फ्यूज नहीं होना इसमें, काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो इसमें ना देखिए, स्पार्क प्लग में जो डेटोनेशन है और हमारे पास जो कंप्रेशन इग्निशन में, स्पार्क प्लग वाले इग्निशन वाला है पेट्रोल इंजन का, और मेरे पास कंप्रेशन वाला कौन सा है, डीजल इंजन का, इनमें डिफरेंस है, वो मैं आपको डिफरेंस अलग से समझा दूंगा, इस वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, काफ़ी अच्छा समझाया हुआ है कि नॉर्मल जब कंबस्टन होता है तो ये कुछ इस तरह से कि किसी चीज़ को, पिस्टन को पकड़ के आराम से बस धकेल रहे हो, आराम से धकेल रहे हो। ठीक है, नॉर्मल कंबस्टन। लेकिन हमारे पास एक्सप्लोजन, मतलब हमारे पास डेटोनेशन में क्या होता है, अचानक जब एक्सप्लोजन होती है तो एक्सप्लोजन के कारण मुक्का पड़ता है कि कहीं तो किसी चीज़ कैसे पकड़ के, कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरी तरफ ऐसे मारना, अरे यार। ठीक है, तो डेटोनेशन हो जाएगी, करके देख लो चाहे आराम से किसी चीज़ को। तो ये यार दुनिया ना, हम पंगे, इवन ना आप हैंडपम्प है, हैंडपम्प आराम से चलाते रहो, कोई बात नहीं। ठीक है, आराम से चलाना, यहीं पकड़ के अगर ऐसे मार मार के मैं कर रहा हूँ, ऊपर से पापा आएंगे क्या कर रहा है, ये क्या, ये कोई तरीका है, तो वहाँ भी आप डेटोनेशन की प्रोसेस कर रहे हो, खराब नहीं होगा हैंडपम्प, आप आराम से, एक तो आराम से ऐसे करना, कोई बात, एक पकड़ पकड़ जोर जोर से ऐसे मारना, ठक 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 का आवाज आने लग जाए, तो वो कहेगा यार क्यों पंगे ले रहा है, आराम से नहीं होता तेरे से, ये आराम से है, ये गलत तरीका है, तो गलत तरीका तो गलत ही रहेगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जैसे ये झूला दे रहे हैं तो बच्चे को कितने प्यार से झूला दे रहे हैं ना, ये नॉर्मल कंबस्टन में हाल होता है पिस्टन का, आराम से झूला दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई झटका लग रहा है उसको, नहीं लग रहा, लेकिन कुछ गलती भी कर देते हैं, कैसे, इतनी जोर से मारेंगे कि ये हाल हो जाएगा, कहाँ तो आराम से, आराम से, नॉर्मल कंबस्टन में आराम से चल रहा था, कोई बात नहीं, यहाँ मारा धक्का जोर से एक बार में ही पता नहीं क्या कर दूंगा मैं, और ये गिर गए लो, तो हाल मत करो ऐसा पिस्टन का। ठीक है, तो हाल ऐसा मत करो। तो डेटोनेशन हैज नेगेटिव इफेक्ट थ्रू आउट द इंजन, लाइट डेटोनेशन मे कॉज प्री मेच्योर वेयर ऑन द बेयरिंग एंड बुशेस। तो हमारे पास देखिए लाइट थोड़ी थोड़ी डेटोनेशन है, उसके कारण क्या होता है कि हमारे पास बेयरिंग और बुशिंग जो काफ़ी टाइम तक चलने थे वो पहले ही खराब होना शुरू हो जाएंगे। सीवियर और प्रोलॉन्ग डेटोनेशन कैन कॉज डैमेज टू द सिलेंडर हेड। लेकिन अचानक ज़्यादा डेटोनेशन हो जाए उसके कारण क्या होता है, सिलेंडर हेड, पिस्टन, ये खराब होने लगते हैं।
lack of deposit on or a clean head or and the piston face could indicate detonation has occurred. तो हमारे पास पिस्टन के ऊपर हमारे पास अगर गंदा सा हो रखा है, हेड उसका खराब हो रखा है, तो आपको पता लग जाएगा कि डेटोनेशन हो रही है. ठीक है, तो डेटोनेशन के कारण हो सके आ सकता है कुछ ना, क्या होता है पिस्टन भी टूट सकता है. ठीक है, पिस्टन का ये हाल हो सकता है, ये भी हाल हो सकता है, पिस्टन रिंग भी टूट सकते हैं, ये हाल हो सकता है और ये भी हाल हो सकता है. हमें लगता है मतलब क्या हो गया यार, डेटोनेशन पढ़ता नहीं क्या चीज़ है, एक टॉपिक ही तो है, टॉपिक नहीं है ये, बहुत बड़ी बीमारी है. आप एक डॉक्टर हो, इंजन के डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इंजन के नियर हो, इंजीनियर हो, तो आप एक डॉक्टर की तरह बात करो. अच्छा, जैसे स्टेटोस्कोप लगाते हैं वो आप भी लगाओ, अच्छा इंजन में से आवाज आ रही है, वो अलग बात है, हम उस तरह के इंजीनियर नहीं बन पाते हैं कि आवाज़ से समझ पाएं. जैसे मिस्त्री एक बार बस वो कहेंगे लाओ, आवाज़ सुनेंगे, हाँ जी यहाँ दिक्कत आ रही है, वो असली डॉक्टर होते हैं. मज़ेदार तो मैकेनिकल के डॉक्टर असली वो होते हैं. हमें क्या होता है, हमें नहीं पता लगता कि कहाँ से क्या हो रहा है. वो इवन ये बता देंगे कि पिस्टन रिंग आवाज़ कर रहे हैं, पिस्टन की बुरी हालत है, प्रेशर सही नहीं बन रहा, सब कुछ बता देंगे. चलो उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन हमें भी समझना पड़ेगा. तो नॉकिंग को समझो, इसको डिस्कस करो, कहीं लोकल जो आपके जो है रिपेयर वाले होते हैं उनके साथ डिस्कस करो, वो आपको बताएंगे. तो ये था नॉकिंग और डेटोनेशन के बारे में. आई होप कि आपको समझ आया. अगर समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख के जरूर जाना. अगर नहीं पता लगा तो भी बताओ, कुछ कमी है तो भी बताओ. अगर पसंद आया तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ. थैंक यू सो मच.